हेलो नमस्ते, सब्सक्राइब कीजिए मेड इजी चैनल को रेड कलर के बटन को दबाकर और पास ही बने इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें इस चैनल के सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फूडीज, वेलकम टू मेड इजी। आज मेड इजी में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्वाद और सेहत से भरपूर मसाला लौकी की रेसिपी। वैसे तो लौकी हम सभी अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये मसाला लौकी बनाना बताऊंगी बिल्कुल ढाबा स्टाइल, जैसे ढाबे पर बनती है। तो चलिए इस ढाबा स्टाइल मसाला लौकी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो लौकी ली है, ये वज़न में आप 1 किलो लौकी है। इसको मैंने काट कर, छील कर, और इसके जो अगर बीज होते हैं अगर वो बड़े हैं तो उनको निकाल दीजिए। उसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है लाल मिर्च पाउडर, साथ ही लिया है मैंने धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, तेल इसको बनाने के लिए, और एक प्याज जो है मीडियम आकार का उसको मैंने काट लिया है बारीक, और ये हल्दी पाउडर लिया है, और साथ ही में थोड़ा सा पानी। तो चलिए इन सारी सामग्री से हम मसाला लौकी बनाना शुरू करते हैं। तो मसाला लौकी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। प्रेशर कुकर में लौकी अच्छे से पक जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। गैस के फ्लेम को हमें तेज़ ही रखना है, तेज़ आंच पर। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, आप चाहें तो इसमें लहसुन भी इस समय पीस कर डाल सकते हैं अगर आप खाना चाहें तो। उसके बाद प्याज को अच्छे से चलाना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। जब ये गोल्डन अच्छा कलर आ जाएगा, थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा प्याज, ये देख सकते हैं आप हल्का गुलाबी रंग आ चुका है, तब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड की है, ये 1.5 छोटे चम्मच जो है हल्दी पाउडर है, इसको डालने के बाद अच्छे से चला दें एक बार। उसके बाद मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 छोटी चम्मच, या आप थोड़ा कम भी खाना चाहें तो कम कर सकते हैं। उसके साथ मैं यहाँ पर धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ये 2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसको अच्छे से चला देंगे। सारे मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। इस बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम कम होना चाहिए बिल्कुल, अगर ये ज़रा भी तेज़ होगा तो ये मसाले जल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मसाले अगर थोड़ी सी आंच तेज़ है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर जो लौकी काट के रखी थी यानी बॉटल गार्ड, उसको मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। लौकी को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ। अभी इसमें नमक डालना बाकी है तो इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक अपने स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे हम। तो नमक डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को, और उसके बाद गैस के फ्लेम को हम बढ़ा देंगे। तो ज़रा सा मैंने पानी डाला है, बिल्कुल हल्का सा छींटा देना है पानी का, ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें इसमें। और अब हम लेड को कवर करके प्रेशर कुकर की अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। गैस के फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि एक सीटी ना आ जाए। एक सीटी आने के बाद हमें गैस के फ्लेम को कम कर देना है। ये देखिए सीटी तेज़ आ चुकी है, अब मैं गैस के फ्लेम को रिड्यूस कर दूंगी, और रिड्यूस करने के बाद मैं इसको 5 से 10 मिनट तक और पकाऊँगी। 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का जब प्रेशर पूरा रिलीज़ हो जाएगा, देखिए प्रेशर पूरा रिलीज़ हो चुका है, तब हम इसको ओपन करेंगे और इस तरीके से चेक करेंगे कि लौकी हो चुकी है या नहीं, ये कितनी गल चुकी है। ये टाइम उस पर भी डिपेंड करता है, कभी कभी लौकी सॉफ्ट होती है तो वो जल्दी गल जाती है, कभी अगर थोड़ी हार्ड होगी तो आप इस मोमेंट पे चेक कर लें। अगर लौकी में अभी भी थोड़ा हार्ड रह गया है तो आप इसको एक विसल और पका लीजिए। उसके बाद हम फिर से गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और इस तरीके से हल्का सा मैश करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम सुखा देंगे, और सूखने के बाद ये लौकी बिल्कुल तैयार है रोटी या फिर चावल के साथ सर्व करने के लिए। तो आई होप आपको ये सिंपल सी लौकी मसाला लौकी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।